जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे विंडो के पीछे रिवर के संग में ताजमहल का खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। अच्छा जी, यहाँ से ताजमहल दिखाई देगा साफ साफ बिल्कुल। ये देखो जी, नदी के पास में वो ताजमहल दिख रहा है। अब दिखाऊंगा आपको एयर कंडीशन रूम और मैजिक विंडो। अच्छा जी, ये बना हुआ है वेंटिलेशन रूम, जिसको हम हवा महल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये हुआ करता था गर्मियों के लिए, क्योंकि जब जमुना किले की दीवार के पास होती थी ना, अच्छा, तो ठंडी ठंडी हवा आए, इसके लिए इसको बनाया गया था तीन साइड खिड़कियों के दरवाजों के साथ में। अच्छा, रूम को ठंडा करने के लिए। तो शाम को सनसेट के बाद में रॉयल लेडीज यहाँ पर आकर बैठा करते थे और आराम फरमाया करते थे। अच्छा, जितने भी जो कमरे बने हुए हैं ये सब विंटर सीजन के लिए है। विंटर सीजन में ये जो दीवार है इनमें हॉलो रखा गया है। अच्छा, ये सब के सब खोखली दीवारें हैं। तो क्या तो हट जाती है? नहीं, इनकी बिल्डिंगों के तीन कमरे हैं यहाँ पर, जिसमें एक हम खड़े हुए हैं, एक ये और एक सामने वाला। अच्छा, तीन कमरों की छत को एक रखा गया है, जिसके ऊपर में एक वाटर टैंक बनाया गया है। उस टैंक में पानी को गर्म किया जाता था सर्दी में। अच्छा, और फिर इन खाली दीवारों में पानी को भर दिया जाता था। अच्छा, दीवारें खाली हैं ये? हाँ, ये देखिए आप, तो ऊपर से पानी को छोड़कर गर्म पानी दीवारों में भरकर रूम को आइसोलेट करते थे, गर्म किया करते थे। हीरे का डिजाइन बना हुआ छत के अंदर में, जिसमें कांच के टुकड़े होते थे। अच्छा, और बीच के अंदर में सोना गोल्ड रिफ्लेक्शन से इस पूरे रूम को लाइट से जमाकर और हल्का गर्म कर रात में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा।